उस रात का भयानक सपना महारानी यशुबाई के आंखों के सामने से हटने के लिए तैयार ही नहीं था। वो सपना महाभयंकर था। सपने में यशुबाई के बंधु गणोजी शिर्के ने संभाजी महाराज का सिर काट के यशुबाई की आरती में रखा था। तब से यशुबाई को बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा था। हालात बहुत खराब हो चुकी थी। दिन रात शंभू राजा की चिंता करने लगे। वो सपना कुछ अनर्थ का संकेत देना चाहता था। यशुबाई संभाजी राजा को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सुबह सुबह संभाजी महाराज नींद से जागे। उन्होंने स्नान करके पूजा अर्चा की। यशुबाई ने भी स्नान करके पूजा की। शंभू राजा ने यशुबाई का चिंताग्रस्त चेहरा देखा। वैसे वो कहने लगे, महारानी आप रायगढ़ की तरफ निकलो, हम यही रुकते हैं। महाराज आज का दिन बहुत अशुभ है, आप यहां मत रुको। ऐसे कैसे यशु, हम राजा है यहाँ के लोग हमारी राह देख रहे हैं। जोर से रोने वाले भूखे बच्चे को छोड़कर एक माता कहीं भी नहीं जा सकती, और वैसे ही दरवाजे पर न्याय मांगने वाले जनता को छोड़कर एक राजा कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन यशुबाई के आंखों के सामने से वो भयंकर सपना हटने के लिए तैयारी नहीं था। वो नीचे बैठकर रोने लगे। महाराज को आश्चर्य हुआ, वो महारानी के पास गए। वैसे यशुरानी ने महाराज को अपने आगोश में ले लिया। यशुबाई अब महाराज के सीने पर सर रखकर जोर से रोने लगी। महाराज उन्हें समझाने लगे, क्या हुआ क्या यशुरानी, आपको पूरा महाराष्ट्र आपके अनुशासन के सामने झुकता है। आप स्वराज की महारानी हो, आपको किसी घरेलू अवरोधों के जैसे रोना शोभा नहीं देता। शंभू राजे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। यशु आप आगे रायगढ़ की तरफ निकलो, हम शाम होने तक वहां पहुंचते हैं, यह हमारा वादा है। यशु आप बिल्कुल चिंता न करें, आप पालकी में बैठो, आपके साथ 800 घुड़सवार आएंगे। इतने सारे? फिर आपके साथ कितने हैं? हमारे साथ भी है ना 400 घुड़सवार है। नहीं नहीं राजन, स्वराज के महाराज का संरक्षण महत्वपूर्ण है। नहीं यशु आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करो, हम सही सलामत वापस आएंगे, आप जाओ निश्चिंत होके। यशुबाई महाराज को अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो आगे कहने लगी, महाराज ऐसा करते हैं ना, हम साथ साथ जाएंगे। यशु क्यों इतना चिंता करती हो हमारी, आप बेफिक्र निकलो, हम यूं ही आएंगे आपके पीछे पीछे, हम पर इतना भी विश्वास नहीं आपका, जाओ यशु निकलो। यशुरानी ने महाराज के चरणों पर अपना सिर रखा, उनके चरणों पर आंसू ढाए। उनकी ऐसी अवस्था देखकर शंभूराजी के भी आंखें भर आई। उन्होंने अपने महारानी को अपने सीने से लगाया और उन्हें समझाने लगे, इतनी चिंता करती हो हमारी, सह्याद्री का ये हरा भरा जंगल, ये लाल मिट्टी, इस शिवपुत्र संभाजी के साथ दगा करेंगे ऐसा आपको लगता है। देर बहुत हो चुकी थी, सूरज डूबने से पहले रायगढ़ पर पहुंचना जरूरी था। दरवाजे में पालकी तैयार थी, पालकी उठाने वाले कहार राह देख रहे थे, साथ में कुछ दासियां भी थी। मजबूरी से यशुबाई पालकी में जाके बैठी। महाराज को दंडवत करके कहारों ने पालकी कंधे पर उठाई। पालकी के पर्दे से यशुरानी अपने राजा को आंखों में समाने लगी। पालकी आगे आगे जाने लगी। वैसे शंभू राजा यशुरानी से दूर दूर होते जा रहे थे। यशुरानी को आशा थी कि मेरा राजा वापस रायगढ़ पे आएगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि शंभू राजा अब कभी भी वापस नहीं आ सकेंगे। वो हमेशा के लिए स्वराज को छोड़कर दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। यशुरानी अपने राजा की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी। शंभू राजा उनसे दूर दूर, बहुत दूर होते जा रहे थे। यशुरानी को क्या पता यही मेरे राजा की आखिरी मुलाकात होगी, यही मेरे राजा की आखिरी मुलाकात होगी। उसके 3-4 दिनों के बाद संगमेश्वर में देसाई के महल में संभाजी महाराज मुकरब खान के हाथ में लग गए थे।